स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु, जहां आपको मैथ्स एक बहुत फन लगने वाला है, जहां मैं आपको मैथ्स उंगलियों पे सिखाने वाला हूं, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स के साथ, विदाउट एनी फॉर्मूला, जो आपको बड़े आसान हो जाएगा, मैथ्स करने में बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम की वो वीडियो जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, जिसमें हम आप लोगों को सिखाएंगे कैसे हम सेकंड्स में इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज के योग ऐसे कर देंगे, वर्गों के योग कर देंगे, प्रागर संख्याओं के योग कर देंगे, सम विषम संख्याओं के योग कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सबसे पहला जो टाइप है उसमें प्राकर संख्याओं का योग। अब हमारे पास 1 से लेकर 105 तक की संख्याएं हैं, इसमें हमें इनका योग करना है। तो क्या करना है, ये ट्रिक जो आपको है बड़ा आसान बनाएगी इस क्वेश्चन को। आपको क्या यूज करना है, 105 है, 105 ले लो, उससे अगली संख्या उसके साथ लिख लो गुणा करके, 106/2। तो बड़ा आसान है, इसको डिवाइड करो, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आया 55/65। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करके देखो तो आपको मैंने सिखाया हुआ है 3 अंकों की 2 अंकों में कैसे गुणा करते हैं पिछली वीडियोस में, जिन्होंने नहीं देखी है जाके देख लो, बहुत काम की चीज है, आपके बहुत काम आने वाली है, बहुत फायदा आपको देने वाली है। जैसे मैंने सेकंड्स में इसके आंसर निकाला, आप भी ऐसे ही निकाल लेंगे। तो अब ये हम बात करते हैं सिर्फ इस टाइप के बारे में, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे किसी भी प्राकृत। सब्सक्राइब मैथ्स गुरु एंड हिट द बेल आइकॉन। योग वो सेकंड्स में कर सकते हैं। तो ये है सबसे पहला टाइप जिसमें हमने लिया प्राकर संख्या कहां तक है। ये प्रथम प्राकर संख्याओं पे लगेगा, ये याद रखना है, स्टार्टिंग से होना चाहिए प्राकर संख्या, बस ये दिमाग में रखना है। अब आप एक चीज देखो, इसमें एक बात दिमाग में रखना है, जैसे मान लिया 1, 2, 3 up to 10 तक ले लेता हूं। अब आप बोलोगे सर छोटी संख्या लिख क्यों ले रहे हो, समझाने में आसानी होती है, समझने में आसानी होती है, बड़ी संख्याएं प्रैक्टिस से आती हैं। तो समझो, अभी मैंने आपको सिखाया कि जो संख्या दे रखी है उससे अगली संख्या में गुणा करके आधा करना है। भैया 10 की गुणा करनी है 11 में और इस पूरी संख्या का आधा करना है। या पूरी संख्या की गुणा करके आधा क्यों करेंगे, दो संख्याएं जब परस्पर साथ साथ होती हैं, जैसे 10 11 11 12, तो उनमें से एक सम होती है एक विषम होती है, एक संख्या का आधा तो हमेशा होना ही होना है, हो ही जाएगा। तो हमने यहां देखा 10 का आधा हो रहा है, तो मैं कभी भी ऐसे नहीं बोलूंगा 10 × 11, जो संख्या का आधा होगा उसको डायरेक्ट बोलूंगा 5 × 11। हो गया मुंह जबानी, जिसको समझ में आया बढ़िया, जिसको नहीं आया तो काट लो, 2 × 5 = 10 ऐसे कर लो। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखें, एक सेकंड में कैसे करेंगे। अब हमारे पास है विषम संख्याएं, जब विषम संख्याओं का योग करना होता है, विषम संख्याओं के योग में हमें यह देखना है कि कितनी संख्याएं दे रखी हैं और उसका वर्ग कर देना है। समझे कुछ, संख्याएं देखो कितनी दे रखी हैं और उसका वर्ग कर दो। यहां 4 संख्याएं दे रखी हैं तो 4 का वर्ग = 16। तो ऐसे करेंगे, सेकंड में आंसर आएगा फटाक से। ये देखना है कितनी संख्याएं हैं। अब यार यहां तो गिन लिया 1, 2, 3, 4, लेकिन अगर बड़ी संख्याएं होती यहां लिखा होता 49 तक, तो उसके लिए भी सबसे बढ़िया तरीका होता है 49 = 50 = 50। 49 है तो 50 = 50, क्योंकि 49 के आगे 50 है। क्यों लिया 50, क्योंकि 50 तक आधी सम होंगी आधी विषम होंगी, तो इसका मतलब 25 सम 25 विषम, विषम का वर्ग कर रहे हैं तो 25 विषम है, 25 का वर्ग कर दो, 149 तक का वर्ग आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 625 आंसर आ जाएगा। देखो मैंने क्वेश्चन बनाया भी मुंह जबानी और आंसर भी मुंह जबानी निकाल दे, तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। सब्सक्राइब मैथ्स गुरु एंड हिट द बेल आइकॉन। हम सम संख्याओं का योग करते हैं, सम संख्याओं का योग करने के टाइम पर हमें क्या करना होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ सीधा सा काम करना है, ये देखना है कितनी संख्याएं हैं, पहले तो हमें ये देखना है। तो पहले हमने देखा कि हमारे पास यहां कितनी संख्याएं हैं, देखो लिखा 100 तक है, लेकिन अगर देखें सारी विषम तो हटा दी, अब हमने बात किसकी कर रहे हैं, सम की, तो 100 तक 50 सम होती है, 50 विषम होती है, तो यहां 50 संख्याएं हैं हमारे पास, और जो संख्याएं हैं उसकी उससे अगली संख्या में गुणा करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा।
ये आ गया 2550। इस पूरी संख्या का, इस पूरी सीरीज का जो आंसर आएगा वो 2550 आएगा। अब आप देख सकते हैं, खुद कैलकुलेट कर लो। अब हम बात करते हैं जब संख्या वर्गों में दे रखी होती है, जैसे हमारे पास ये संख्या है, अब परागर संख्या है, वर्गों में है और उन सबको योग करना है, तो क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ये देखना होता है कि संख्या कहां तक है। अब इसमें हम n इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाय सिक्स कर लेंगे, इस ट्रिक को लगाएंगे और हमें इनके वर्गों के योग मिल जाएंगे। हमारी संख्या कहां तक है, 10 तक है, तो 10 लेंगे इंटू 10 और 1 11 करेंगे, फिर 10 दूनी 20 और 1 21 करेंगे बाय 6 डिवाइड कर दो, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 से काटा 5, 7 पंजे 35, 35 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 8 385 आपका आंसर आ जाएगा। 11 की मल्टीप्लाई बहुत आसान होती है, जिसको नहीं आता है मेरी वीडियो में देख सकते हैं जाके 11 से मल्टीप्लिकेशन वाला वीडियो, तो आपको सेकंड में उसका आंसर आ जाता है, जैसे मैंने अभी किया। आपको अभी मेन चीज क्या सीखनी है कि इनके आंसर कैसे निकालते हैं, तो ये ट्रिक होती है जिसको यूज करके हम वर्गों के योग कर सकते हैं। प्राकर संख्याओं के वर्गों का योग करने का ये तरीका होता है। अब प्राकर संख्याओं के वर्गों के योग में भी तीन कंडीशन होती है, पहली जो अभी सीधी सीधी संख्याएं दे दी प्राकर, दूसरा हो जाएगा कि जिसमें आपको या तो सम दे देगा या विषम संख्याएं दे देगा, लेकिन इसमें एक अच्छी बात होती है, आप लोगों के लिए मजेदार बात यह होती है कि दोनों की ट्रिक एक ही होती है। जैसे यहां देखना होता है कि कितनी संख्याओं तक है, मतलब इसमें ये नहीं देखना संख्याएं कितनी है, ये देखना है कि आखिरी अंक क्या है, जो आखिरी अंक है उसको ले ली, उससे अगली संख्या ले ली और उससे भी अगली संख्या लेके 6 से भाग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये इसकी ट्रिक होती है। अब जैसे अगर मैं इसको डिवाइड करने जाऊं तो क्या होगा, 3 दूनी 6, 3 तीये 9, 2 से इसको काटा, 2 पंजे 10, 5 तीये 15 इंटू 11 क्या हो जाएगा आपका 165। इस तरीके से हम इसको करते हैं, तो यही ट्रिक सिर्फ दी कि सीधी सम संख्याओं में भी लग जाएगी। अभी हमने विषम संख्याएं ली थी, अब हमारे पास सम संख्याएं, सम संख्याओं का योग पूछेगा तो भी वही करना है कि आखिरी की संख्या देखनी क्या है, 10, उसको 11 और 12 में मल्टीप्लाई करना है, 11 और 12 बाय 6, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, 220। तो इस तरीके से आप जब करेंगे तो आपके सेकंड्स में आंसर आ जाएंगे, इस तरीके से इनको करना है। अब सबसे लास्ट टाइप जो आपका बचता है वो है कि जब आपको घनों में वैल्यू दे रखी हो, क्यूब, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग करना है। तो प्राकृत संख्याओं के घनों का योग करने का सबसे सबसे आसान तरीका होता है कि आप पहले इनका योग करो, प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्याओं के योग के लिए मैंने आपको बताया था कि जो संख्या है उससे अगली संख्या ले लो और इसे 2 से भाग कर दो, ये मैंने बताया था। इतना करने के बाद इस पूरे का वर्ग कर देंगे तो घनों का योग आ जाएगा। यहां तक क्या था, संख्या का योग, और अब अगर वर्ग भी कर दूं इसका योग करने के बाद तो वो आ जाएगा घनों का योग। तो 1 से 6 तक के घनों का सबका योग करेंगे तो ये आएगा, तो 2 तीये 6, 7 तीये 21, 21 का स्क्वायर किया तो 441, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको बस इतना करना है कि सारी संख्याओं का योग करना है, उसका वर्ग कर दो तो आपके घनों का योग बन जाएगा। समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर इसका सेकंड पार्ट आएंगे, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि ऑप्शन वाले क्वेश्चन, जिसमें सिर्फ ऑप्शन देखना है और आंसर लगाना है, ऑप्शन देखना है और आंसर लगाना है, उसमें कोई भी फॉर्मूला यूज करना नहीं सिखाऊंगा, सीधा ट्रिक से करेंगे, बिल्कुल सीधा ऑप्शन देखेंगे और आंसर लाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और इनको सीखिए।